Hi guys, welcome back to my channel. My name is Shraddha और आज के वीडियो में मैं आपको एक ओनली वन क्विक एंड ईजी हेयर स्टाइल बताने वाली हूँ समर के लिए. वो है हाई बन. हाई बन बनाने के लिए आपको सिर्फ एक हेयर बैंड चाहिए जो मैंने अभी लगाया है. वो यूज़ करके हम ये पोनी बन ये है हाई बन बनाएंगे और ये बहुत ही क्विक और इजीली हो जाएगा और आपको कुछ कोम वोम करने की ज़रूरत भी नहीं है. आपको जस्ट रफली अपने फिंगर से ही जस्ट आपको रफली इसे बनाना है और यकीन मानिए विद इन अ सेकेंड ये बन जाएगा. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. मैंने अपने हेयर कोम कर लिए हैं. अभी जस्ट आपको सारे हेयर को ग्रैब करना है और इनको एकदम हाई पोनी में लेके जाना है जहाँ पे हम हाई पोनीटेल बनाते हैं वहाँ पे. मीन्स जहाँ तक मैंने लेके गई हूँ ऐसे कुछ इस तरीके से. और आपको इसे रफली करना है. मीन्स कुछ आपको कोम वोम करने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आप रफली अपनी एक हाई पोनी बना लीजिए. उसके बाद हमें सिर्फ एक हेयर बैंड चाहिए थिक सा और आपके हेयर कलर से मैच करने वाला. मेरा ब्लू है, ब्लैक लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो हमें यहाँ पे एक पोनी बनानी है तो कुछ इस तरीके से इसे ट्विस्ट करेंगे और इसे पकड़ के हमारे हेयर को पूरे फोल्ड कर लेंगे यहाँ तक. वहाँ तक आप कर सकते हो. उसके बाद ये जो हमने हेयर बैंड ट्विस्ट किया था उसको हम इसमें डाल देंगे ऐसे कुछ इस तरीके से. तो आपका ये जो है यहाँ से आप फिर इसे अपने हेयर को ऐसे कर सकते हो अच्छे से. और आपको क्या करना है कि आपके ये जो हेयर है इनको आपको निकालना है धीरे धीरे से ताकि यहाँ पे एक अच्छा सा पफ बन जाए. और देखो मैंने ये रफली किया है तो ये साइड से बाल भी बहुत अच्छे लगते हैं. सो फ्रेंड्स ये बहुत ही क्विक और इजी हेयर स्टाइल है समर के लिए. आप कभी भी और कहीं पे भी कर सकते हो और यकीन मानिए हेयर स्टाइल सभी आउटफिट के साथ बहुत अच्छी लगती है, इंडियन वेस्टर्न. और ये जो है काफ़ी इसे आपको ज़्यादा ऐसी गर्मी भी नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा समर में. तो आप देख सकते हैं ये मेरी फुल हेयर स्टाइल. सामने से ये ऐसे लगेगी, साइड से ये ऐसे दिखती है और बैक साइड से ये ऐसे लगेगी. सो फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आज का मेरा शॉर्ट वीडियो आपको अच्छा लगा है. और अगर अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए शिमरिंग श्रद्धा और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. टिल देन बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.